हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार, आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E=F/Q0 होता है। आज अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारे पास देखिए एक स्रोत आवेश होगा और इस स्रोत आवेश के कारण किसी इसके चारों ओर जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है, किसी बिंदु पर अपन को तीव्रता निकालनी है विद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब भी निकालनी हो तो एक बात ध्यान रखनी है हमें, वहाँ पे क्या करना है, परीक्षण आवेश को रख देना है। जिस पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो वहाँ पर अपन को परीक्षण आवेश रखना है। परीक्षण आवेश के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि ये एकांक परिमाण का धनावेश होता है, इसका खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होता। इसका उपयोग केवल विद्युत क्षेत्र का जो है परिकलन यानी कि उसका मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे अपन को किसी पॉइंट पर निकालना है, पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहाँ पर अपन ने एक स्रोत आवेश रख दिया। तो आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे पर क्या करेंगे, ये जो है इस पर फोर्स लगाएगा, चूँकि इसका जो खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होता है इसको विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है, तो एक बल का अनुभव करेगा ये, जो कि बाहर की ओर लगेगा इस पर फोर्स, ये फोर्स इधर की ओर लगेगा F, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड या अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ई वैक्टर की डायरेक्शन भी वही होगी, ठीक है। तो अब देखेंगे कि स्रोत आवेश Q द्वारा परीक्षण आवेश Q नॉट पर बल, और बल के लिए दो आवेशों के मध्य बल के लिए अपन ने कूलॉम का नियम पढ़ा था जो कि होता है F=K Q1 Q2/R². तो देखेंगे कूलॉम नियम से बल क्या हो जाएगा, F=K Q1 Q2, K को अपन लिख सकते हैं 1/4πε0, ठीक है, या फिर अपन K ही रहने देते हैं, दोनों ही सही है। Q1 अपने पास क्या है Q, और Q2 दूसरा क्या है Q0/R², इनके बीच की डिस्टेंस क्या है R, तो डिस्टेंस का स्क्वायर R², और डायरेक्शन R वेक्टर से, ठीक है। तो ये दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल अपने पास हो गया K Q0/R² R वेक्टर, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए लास्ट वीडियो के मैंने आपको बताया था कि E=, क्या होता है, F/Q0, क्या होता है E=F/Q0। तो किसी भी पॉइंट चार्ज पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो यहाँ पे अपने पास फोर्स की वैल्यू क्या है, K Q0/R², और यहाँ पे क्या है यूनिट वेक्टर, ठीक है, और अपॉन में क्या है Q0। तो देखिए Q0 कट गए हैं यहाँ से, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं इसको K Q0/R² और R वेक्टर इसके नीचे 1 है, उल्टा कर दो क्या हो जाएगा 1/Q0, ठीक है। अब देखिए Q0 से Q0 कट जाएगा, ये कट गया, तो क्या बचा KQ/R², देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बची KQ/R², ठीक है, और R वेक्टर। तो ये अपने पास किसी भी पॉइंट चार्ज पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई KQ/R². अगर मैं इसका परिमाण देखूं, परिमाण लिखना हो यानी वैल्यू के रूप में लिखना हो मान के रूप में, तो मॉड ले लेंगे E=, क्या होगा KQ/R², ठीक है। ये डायरेक्शन जो वेक्टर फॉर्म और ये मैग्नीट्यूड इसका, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी कि E जो अपने पास आ रहा है E ये जो है व्युत्क्रमानुपाती R², ठीक है। अब मैं आपको पूछूं कि भाई इनके बीच के ग्राफ क्या होगा E और R के बीच के, तो अपन को ग्राफ बनाना हो तो इस तरीके से बना सकते हैं, ये R है और इधर E, तो E किस पर डिपेंड कर रहा है R पर, ठीक है। दूरी बढ़ने के साथ क्या हो रहा है,
अब यहाँ से मैं दूरी की मान को बढ़ाऊँ तो क्या हो रहा है, ये घट रहा है, ठीक है। ये जब बढ़ेगा तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि जो आर है उस पर डिपेंड कर रहा है, तो इस तरीके से घट जाएगा। जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। या फिर मैं कहूँ कि 1/r² के बीच ग्राफ निकालिए, ई और 1/r² के बीच, तो क्या होगा, विद्युत क्रमानुपाती, क्या होगा, विद्युत क्रमानुपाती। कहने का मतलब है कि ये पूरी वाली वैल्यू जब बदलेगी तो ये भी बदलेगी, 1/r² जब बदलेगा तो ये भी बदलेगा, इसलिए इनके बीच में क्या हो जाएगा, ये समानुपात, ये जो है इस तरीके से सरल रेखा के रूप में अपने पास ग्राफ आएगा। ओके, नोट देखेंगे, यदि बिंदु आवेश किसी माध्यम में स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अपना आवेश जो है वो किसी मीडियम के अंदर स्थित हो, दो आवेशों के मध्य अगर कोई माध्यम रख दिया जाए तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा था कि दो आवेशों के मध्य अगर माध्यम स्थित हो तो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो कम हो जाता है, निर्वात की तुलना में माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो है वो कम हो जाता है। उसी प्रकार से अगर अपन देखें तो विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो माध्यम के अंदर जो है कम हो जाएगी। तो अपन ने देखा कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला होता है E=KQ/r². क्या होगा जब वो माध्यम में स्थित है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो EM, माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है EM = हमने देखा कि E जो होता है KQ/r², और K को अपन लिख सकते हैं 1/4πε₀, और यहाँ पे क्या है, मीडियम है, तो मीडियम की मैंने आपको बताया था कि माध्यम के अंदर जो है जो विद्युतशीलता होती है उसको एप्सिलॉन लिखते हैं, ठीक है। तो 1/4πε₀Q/r², ठीक है, Q/r², ओके। ये अपन मैग्नीट्यूड ही ले रहे, परिमाण ही ले रहे, तो दिशा नहीं बताएंगे। अब देखिए ये क्या है, एप्सिलॉन, आपने पढ़ा था परावैद्युतांक जो होता है एप्सिलॉन आर वो क्या होता है, एप्सिलॉन/ε₀। तो यहाँ से एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, ε₀ × εr हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एप्सिलॉन की जगह ε₀ εr लिख सकता हूँ। तो देखिए 1/4πε₀εr Q/r², ठीक है, ये माध्यम के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब देखिए निर्वात में होगा तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ा है कि E = क्या होगा, K यानी कि 1/4πε₀, निर्वात के अंदर ε₀ होता है, और जो है Q/r². विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने डेरिवेशन सॉल्व करके देखा, E = KQ/r² आता है, E = KQ/r² यानी कि 1/4πε₀Q/r² होता है, ठीक है। तो देखेंगे कि तो माध्यम के अंदर जो है अपन ने देखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε₀εr³Q/r² होता है, और निर्वात के अंदर E जो है वो क्या हो जाएगा, KQ/r², K यानी कि 1/4πε₀, ठीक है। तो 1/4πε₀, ε₀ मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है, 1/4πε₀, और यहाँ पे हो जाएगा Q/r², क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो KQ/r² होती है, अपन ने डेरिवेशन करके सॉल्व किया है, K यानी कि 1/4πε₀ Q/r², ठीक है। तो देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो माध्यम के अंदर है और निर्वात के अंदर है दोनों का अगर अनुपात ले तो देखेंगे कि EM/E अब क्या हो जाएगा, देखिए ये पूरा 1/4πε₀εr Q/r² और अपॉन में ये 1/4πε₀, ठीक है, Q/r², ठीक है। तो देखिए
ये जो है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और ये जो वैल्यू है इसको अपन उल्टा कर देते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू और ये जो है आर स्क्वायर तो ऊपर ही है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ओके, दिस विल बी कट। सो रिमेनिंग क्या है, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो अपने पास क्या आ रहा है, ई एम अपॉन ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। क्या आ रहा है, ई एम इज अपॉन ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, अपने पास ई एम जो है वो ये ई ऊपर आ जाएगा, ई अपॉन एप्सिलॉन आर, ये अपने पास आ गया, ठीक है। देखिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है माध्यम के अंदर वो निर्वात की तुलना में कम होगी, क्यों, क्योंकि देखिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू एक से ज़्यादा होती है। ये एप्सिलॉन आर हैं, इसको अपन परावैद्युतांक बोलते हैं, और इसकी वैल्यू अपन ने देखी थी निर्वात के अंदर एक होती है, और पानी की अपन ने बताई थी 80 होती है। तो देखिए निर्वात के छोड़ के माध्यम की जो वैल्यू है वो एक से ज़्यादा है, यानी इसका वैल्यू जो है एक से ज़्यादा है। और आपको मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत तो पता ही है कि जब एक से ज़्यादा की वैल्यू का अगर अपन भाग देंगे तो ये वाला जो मान है कम हो जाएगा। यहाँ पे अपन एक से ज़्यादा कोई वैल्यू रखेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र हैं वो क्या होगा, निर्वात की तुलना में कम हो जाएगा। यहाँ से हमें पता चल रहा है ये निर्वात के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये माध्यम के अंदर, तो माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है कम हो जाती है। कब, जब माध्यम हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। जिस प्रकार से देखिए अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो इसको अपन समझ पाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जब परावैद्युतांक माध्यम दो आवेशों के मध्य स्थित होता है तो विद्युत क्षेत्र जो बल होता है वो कम हो जाता है, बल का मान जो है माध्यम के अंदर निर्वात की तुलना में कम हो जाता है। उसी प्रकार से हम देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी भी आवेश पर लगने वाला बल, अगर बल ही कम हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कुछ भी अगर पढ़ते हैं तो अपन को उसको एनालाइज भी करना है। इस तरीके से अपन जोड़ते जाएंगे एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तो अपन आराम से समझ पाएंगे। तो आपको मैंने बताया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माध्यम के अंदर जो है निर्वात की तुलना में कम हो जाती है, और बल भी गए तो बल भी जो है निर्वात के अंदर होता है माध्यम से ज़्यादा होता है, तो माध्यम के अंदर जो बल है वो कम हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।